हेलो गाइस, आज मैं झूमर सीलिंग वॉल हैंगिंग डेकोर बनाने वाली हूँ। झूमर बहुत सारे तरीकों से बनाया जाता है। आज मैं दो तरीकों से झूमर बनाने वाली हूँ। सबसे पहले हम झूमर प्लेट लेंगे, या आपको झूमर प्लेट के नाम से ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएगा। आप कार्डबोर्ड की भी हेल्प से बना सकते हो। इस प्लेट में बहुत सारे होल हैं जो कि लेयर्ड बीड्स लाइन हैंग करने के लिए दिया गया है। If you like the video, please do subscribe our channel. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने थ्रेड, नीडल्स, बीड्स, बहुत सारे बीड्स मैंने लिए हैं। रेड कलर बीड्स, गोल्डन बीड्स, वाइट कलर बीड्स, वैरायटी ऑफ बीड्स आप ले सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हैं या जो आपको मार्केट में मिलते हैं। इसमें कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आपको किस तरीके के बीड्स यूज करने। आपके जो भी पसंदीदा बीड्स हैं आप उसको यूज कर सकते। यहाँ पे मैं सबसे पहला झूमर तैयार करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने रेड कलर की मोती को सबसे नीचे के पार्ट पे हैंग किया है। उसके बाद उसमें मैं गोल्डन वाइट अपने अकॉर्डिंग एक बीड्स के पैटर्न तैयार करूँगी। आप भी अपने अकॉर्डिंग बीड्स के पैटर्न तैयार कर सकते हो। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस झूमर प्लेट में मिडिल पार्ट को छोड़ने के बाद जो सेकंड पार्ट का होल आता है उसमें मैं इस बीड्स को हैंग करूंगी, और इसी तरीके से सारे बीड्स को मैं हैंग करूंगी। मिडिल का पार्ट हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि अगर हमें उसमें लाइट ऐड करना है तो हम उसमें लाइट हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट सबसे लंबा लेंथ रखना है। लेंथ का कोई ये नहीं है, आप जैसा चाहो रखो। बस जब लेंथ लो तो सबसे जो स्टार्टिंग का लेयर्ड होता है वो सबसे लंबा होना चाहिए। देन आफ्टर सेकेंड लेयर उससे कम लेंथ का होना चाहिए, उसके बाद का उससे कम लेंथ का होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें सारे लेयर्ड जब फ्रंट से दिखेंगे हैंग किया हुआ तो सारे लेयर्ड दिखे। सारे एक्स्ट्रा थ्रेड को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ ताकि इसका क्लीन लुक दिखे हमें। अब मैं कुछ मोतियों को पिरो रही हूँ। उसके बाद इसे होल्डर की मदद से सारे पिरोए हुए मोतियों को कंबाइंड कर दूंगी इस होल्डर में। अब मैं सेकंड झूमर बनाने वाली हूँ। इसमें हमें कुछ अलग नहीं करना है। मैंने सेम बीड्स लिए हैं और इसमें सिर्फ मैं एक झूमर पाइप्स ऐड कर रही हूँ जो कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन झूमर पाइप्स के नाम से मिल जाएगा। बाकी सारा मैं पैटर्न सेम रख रही हूँ। झूमर पाइप जो होता है वो बहुत ईजी टू यूज होता है और ये बहुत जल्दी से झूमर बनते हैं और ये लाइट वेटेड होता है। तो अगर आपको जल्दी झूमर बनाना है और लाइट झूमर बनाना है तो आप झूमर पाइप यूज कर सकते हो। ये देखने में बहुत अच्छा लुक देता है। सो यू कैन वंस ट्राई इट।